स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा पर रौना पहुंचने पर भव्य स्वागत, कुशीनगर के विभिन्न हिस्सों में निकाली संदेशात्मक रैली। उद्योग व्यापार मंडल ने मनाया मकर संक्रांति का त्योहार, शिकोहाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्टॉल लगाकर बाटी खिचड़ी। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के नेतृत्व में किसान महापंचायत का आयोजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर बोला हमला। नई दिल्ली में गिरफ्तार हुए दो आतंकवादियों के बाद अयोध्या जनपद की मठ मंदिरों की बढ़ी सुरक्षा, जिला प्रशासन ने सख्ती से वाहन की चेकिंग की। मिशन शक्ति के अभियान के तहत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, नवजात बच्चों की माओ को बेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। विवेकानंद संदेश यात्रा पर रौना पहुंचने पर पुष्प वर्षा, मल्लार्पण और जय घोष के साथ भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान आधुनिक भारत एवं स्वामी विवेकानंद विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संयोजक भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, नेपोलियन और बोनापार्ट मेरे जीवन के आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति को बचाने, निस्वार्थ मानव सेवा, युवाओं हेतु योग व्यायाम, विवेकानंद के विचारों पर आधारित बौद्धिक विमर्श शोभा यात्रा के तहत कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य युवाओं में उत्साह, ऊर्जा और निष्ठा को राष्ट्र पुनर्निर्माण की दिशा में प्रेरित करना है। विवेकानंद यात्रा में मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के करीब 15 लोग शामिल हैं। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मुख्य वक्ता स्वामी देव सागर अध्यक्षता, पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार प्रबंधक कुंवर आरपीएन सिंह, संचालन डॉक्टर सी एस सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी ने की। विवेकानंद शोभा यात्रा उदित नारायण इंटर कॉलेज में होते हुए कोतवाली रोड, तिलक चौक, मेन बाजार, सेंट्रल बैंक, ईदगाह रोड, नौका टोला, रामकोला रोड, सुभाष चौक होते हुए उदित नारायण कॉलेज पहुंचकर रैली का समापन किया गया। हमारे जो संगठन है विवेकानंद जी, पूरे भारत में शोभा यात्रा निकला है, सम्मत करना है, खास तौर से नौजवानों को संदेश देना चाहता है। आप विवेकानंद के पग चिन्हों पर चले, उनके सिद्धांतों को अपनाएं और लीडर और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस तरह समाज की संस्कृति में पढ़े थे, उसी तरह हमारे नौजवान पढ़े, ये संदेश देना चाहते हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने मकर संक्रांति के त्योहार पर शिकोहाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्टॉल लगाकर खिचड़ी, पकोड़े और चाय का वितरण राहगीरों को किया। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन दान्यपूर्ण जीवन का बड़ा महत्व है। इस दौरान महामंत्री मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता समेत अन्य उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मैं समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। इस पर्व को बड़े भारतवर्ष में उल्लास से मनाया जाता है और यहां कार्यक्रम रखा गया है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नगर में खिचड़ी वितरण का। इस पर्व पर हमारे गणमान्य व्यक्ति सब शामिल हैं और इस पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नगरवासियों को आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक से आज सुकावा शहर में जगह जगह पर आज लंगर का वितरण किया गया। कहीं पर खिचड़ी का वितरण था, कहीं पर पुलाव का वितरण था, कहीं चाय का वितरण था, कहीं पर मंगोड़े वगैरह का इसका वितरण किया गया है। और आशा करते हैं ऐसे कार्यक्रम आगामी हिंदुत्व के त्यौहार पर हर उल्लास के साथ, चाहे मकर संक्रांति हो चाहे शिवरात्रि हो, तो ऐसे हम सभी व्यापारियों से एक अपील करते हैं कि ऐसे त्योहारों पर लंगर लगाई जाए और इसका एक शहर में एक धार्मिक का उसका परिचय भी दिया जाए।
मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला अस्पताल में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बालिकाओं के स्वास्थ्य के प्रति माताओं को जागरूक किया, नियमानुसार टीकाकरण कराने की अपील भी की और बेबी किट का वितरण कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान बालिकाओं के संबंध में संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने नवजात बेटियों को पूरक आहार, टीकाकरण, खान पान, स्तनपान के संबंध में माताओं को जागरूक कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे तुषार। तुषार, देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई है और कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं, मिशन शक्ति अभियान के तहत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आज बिजनौर जिला अस्पताल में आयोजन किया गया था। इसमें जो नवजात जो बेटियां हैं उनको सम्मानित किया गया, उनकी जो माताएं हैं उनको सम्मानित किया गया जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा। साथ ही जो जच्चा है उनको बेबी किट का भी वितरण किया गया था और उन्हें शपथ भी दिलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर कासगंज से है। यहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज के तत्वाधान में अलीगढ़ के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे का किसानों और कार्यकर्ताओं ने फूल माला साल भेंट कर उनका जोरदार स्वागत भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों ने काले कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से कानून वापस करने की मांग की है, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने पर भी MSP कानून लागू नहीं किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठी पार्टी होने का आरोप भी लगाया है। बनाने वाली कंपनी, एक जूता बनाने वाली कंपनी अपना मूल निर्धारित करती है, अपना रेट निर्धारित करती है, उसके बाद अपनी चीजों को मार्केट में लाने का काम करती है। लेकिन इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान रात दिन जी तोड़ मेहनत करता है, हार्ड गला देने वाली सर्दी में, बरसात के घुटने घुटने पानी में और जेब पैसा की तपती हुई दोपहरी में मेहनत करने के बाद उसकी फसल का, उसकी मेहनत का सही रेट हमें नहीं मिलता। खबर अयोध्या से है। यहां नई दिल्ली में दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या के मठ मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाकर अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार पर वाहनों की चेकिंग की गई और लोगों के आधार कार्ड, परिचय पत्रों की जाँच पड़ताल कर अयोध्या जनपद में प्रवेश के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान अयोध्या पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी जारी हुए हैं। खबर लखनऊ से है। यहां मोहनलालगंज की ग्राम अमेठी के किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए अवैध तरीके से काम कर रही इंफ्रा कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने कहा कि इंफ्रा प्राइवेट कंपनी जिला पंचायत का फर्जी नक्शा दिखाकर ग्रामीणों किसानों से ठगी कर रही है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसान नेता धर्मेंद्र वर्मा और ग्रामीण निवासियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन देकर अवैध इंफ्रा कंपनी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने शिकायत पत्र कार्रवाई नहीं होने पर सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है जिला पंचायत से पास है, इसके संबंध में हमने अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन देकर बात की है तो अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ से नक्शा जो है पास नहीं है और इस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे रेरा की बात आपने छेड़ दी है, अक्सर ये कंपनियाँ क्या करती हैं, रेरा में रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है उस प्रोजेक्ट को कभी रजिस्टर्ड नहीं कराती हैं, जिसके चलते इनका अवैध गोरख धंधा चलता है। तो हम रेरा से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जितनी भी कंपनियां मोहनलालगंज क्षेत्र में चल रही उनका प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कराया जाए और यदि नहीं है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए।
खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर थाना के एक निजी स्कूल के परिसर में खड़ी वैन में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में भीषण आग लगी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। स्कूल प्रशासन के कर्मचारियों ने आनन फानन में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान किसी तरह जान हानि सामने नहीं आई है। खबर फरीदाबाद से है, यहां रामनगर क्षेत्र में एक बुजुर्ग स्क्रैप व्यापारी की हथौड़ा मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के रिश्तेदार इंद्रदेव ने बताया कि वह एक अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक रंजीत ने भतीजे सतीश के साथ देर रात शराब पी थी और सतीश ने ही हत्या की है। जानकारी पुलिस को दी गई है। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्र किए हैं। मृतक के भतीजे से पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। देखो जी, इनका तो हत्या का सही वो लग रहा है कि कुछ चोरी के पर्पस से पहले भी एक बार हो चुकी है वारदात, तो ये वही बता रही है। अब देखते हैं मेडिकल में क्या देखते हैं। कैसे सूचना मिली थी आपको, क्या हुआ इनके पास? हमारे पास तो जी यहाँ से हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी काम करते हैं, उनका फ़ोन गया था तो उन्होंने देखा था, बताया था कि भाई उनके चोट वोट लगी हुई है, एक्सपायर हो चुके थे। एक 68 वर्षीय रणजीत सरनोब राम सिंह है, जिसका कबाड़े का गोदाम था यहाँ पे। ये रात को गोदाम पे अकेला सोता था। रात को लगभग 11:30 बजे इसका भतीजा जो अस्तीश है उसने इसके साथ ड्रिंक की है, उसने बार लॉक लगाया है और सुबह 10:30 बजे के करीब जो उसने खुद खोला है, उसने पुलिस को सूचना दी है कि भाई इसके रात को किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने हथौड़ा मारकर इसका मर्डर कर दिया। तो पुलिस की टीमें जो है, CIA टीम और हमारी जो टीमें हैं, 4-5 टीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं और जल्द इसका खुलासा करेगी पुलिस। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।